Hi friends, welcome to Power Plant Guru Channel. I am Mrigan Pratap Singh. Friends, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज के वीडियो में हम बॉयलर इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि बॉयलर इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कहां कहां पर इंगेज होता है. तो फ्रेंड्स, यदि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो पावर प्लांट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. बॉयलर इंटरलॉकिंग एंड लॉजिक सिस्टम. फ्रेंड्स, बॉयलर में हम इंटरलॉकिंग एंड लॉजिक सिस्टम बॉयलर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं और बॉयलर नॉर्मल कंडीशन में चले, कोई एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हम बॉयलर इंटरलॉकिंग एंड लॉजिक सिस्टम अपने बॉयलर में यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं. फ्रेंड्स, जब बॉयलर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें आईडी फैन को स्टार्ट करना होता है. तो चलिए देखते हैं आईडी फैन का इंटरलॉकिंग एंड लॉजिक सिस्टम क्या होता है. आईडी फैन स्टार्ट प्रोसीजर. फ्रेंड्स, हमें आईडी फैन को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना होता है कि तब हमारा आईडी फैन स्टार्ट होगा. तो सबसे पहले हमें देखना होता है सक्शन डैम्पर क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, और सेकंड नंबर में है डिस्चार्ज डैम्पर क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, और थर्ड नंबर में हमें लेवल एबव द 20% होना चाहिए. जो बॉयलर का ड्रम लेवल होता है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए. और आईडी फैन मोटर बेयरिंग का जो डी और एन डी साइड होता है उसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, मतलब बिलो 85 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. जो आईडी फैन की बेयरिंग होती हैं जिनमें एन डी और डी साइड की टेम्परेचर होते हैं वह 95 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब हमारा आईडी फैन स्टार्ट होगा. फ्रेंड्स, डी और एन डी का मतलब होता है ड्राई विंड एंड नॉन ड्राई विंड. और फ्रेंड्स, लास्ट नंबर में है आईडी फैन का वेंडिंग टेम्परेचर नॉट हाई, मतलब आईडी फैन का जो वेंडिंग टेम्परेचर है वो हाई नहीं होना चाहिए, मतलब बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब हमारा आईडी फैन सेफली स्टार्ट हो जाएगा. आईडी फैन ट्रिप परमिसिव, मतलब हमारा आईडी फैन कौन कौन सी कंडीशन में ट्रिप होगा. तो चलिए अब हम वो देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे हम ड्रम लेवल बिलो 20%. जब हमारा ड्रम लेवल बॉयलर का ड्रम लेवल 20% से कम आ जाएगा तो हमारा आईडी फैन ट्रिप हो जाता है. और सेकंड नंबर में फर्नेस ड्राफ्ट वेरी हाई, जब फर्नेस का ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा चला जाएगा, मतलब -25 mmWc मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम चला जाता है, तब हमारा आईडी फैन ट्रिप हो जाता है. थर्ड नंबर है आईडी फैन डी और एन डी बेयरिंग टेम्परेचर हाई, मतलब जब हमारा आईडी फैन का जो ड्राई विंड और नॉन ड्राई विंड का जो बेयरिंग टेम्परेचर है वह ज़्यादा चला जाएगा, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस से एबव हो जाएगा, तो हमारा आईडी फैन ट्रिप हो जाएगा. और नेक्स्ट है आईडी फैन वाइब्रेशन हाई, जब आईडी फैन का वाइब्रेशन भी हाई हो जाता है तो आईडी फैन ट्रिप हो जाता है. आईडी फैन मोटर वायरिंग टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा तो आईडी फैन ट्रिप हो जाता है, मतलब 85 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चले जाएगा मोटर की बेयरिंग का टेम्परेचर, तो आईडी फैन ट्रिप हो जाता है. सूप आउटलेट टेम्परेचर वेरी हाई, जब सूप आउटलेट टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है तो हमारा आईडी फैन ट्रिप हो जाता है. और सबसे लास्ट है जब हमारा आईडी फैन ट्रिप होगा जब मोटर का वेंडिंग टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 110 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाएगा, तो हमारा आईडी फैन ट्रिप हो जाता है. फ्रेंड्स, आईडी फैन को स्टार्ट करने के बाद हमें एफडी फैन को स्टार्ट करना होता है. पहले हम एफडी फैन को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जब तक हमारा आईडी फैन ना स्टार्ट हो. तो चलिए फ्रेंड्स, अब एफडी फैन का स्टार्ट प्रोसीजर क्या होता है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहला सक्शन डैम्पर क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, सेकंड नंबर में डिस्चार्ज डैम्पर भी क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, और एफडी फैन को स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक आईडी फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, तब हमारा एफडी फैन स्टार्ट होगा. और फोर्थ नंबर में है एफडी फैन के मोटर का बेयरिंग टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, ड्राई विंड एंड नॉन ड्राई विंड का. और फिफ्थ नंबर में है जो एफडी फैन का बेयरिंग टेम्परेचर है वो भी हाई नहीं होना चाहिए, मतलब एफडी फैन के मोटर का बेयरिंग टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए और एफडी फैन के का बेयरिंग टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए, ड्राई विंड और नॉन ड्राई विंड का, तब हमारा एफडी फैन सेफली स्टार्ट हो जाएगा. और हमारे एफडी फैन का वेंडिंग टेम्परेचर भी देखना होता है कि वेंडिंग टेम्परेचर तो हाई नहीं है, ये सब नॉर्मल होने के बाद ही हमारा एफडी फैन सेफली स्टार्ट हो जाता है. फ्रेंड्स, हमने एफडी फैन तो स्टार्ट कर लिया, पर चलिए अब देखते हैं कि हमारा एफडी फैन कौन कौन से कंडीशन में ट्रिप हो सकता है.
फ्रेंड्स, एफडी फैन के ट्रिप होने की सबसे पहली कंडीशन है वो है फर्नेस ड्राफ्ट वेरी हाई, मतलब जब हमारा फर्नेस का ड्राफ्ट पॉजिटिव में 30 mmWc चला जाता है तो हमारा एफडी फैन ट्रिप हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्नेस ड्राफ्ट पॉजिटिव में जा रहा है तब हमारा एफडी फैन ट्रिप हो रहा है, और आईडी फैन के कंडीशन में, ट्रिप कंडीशन में हमने देखा था जब हमारा आईडी फैन का ड्राफ्ट है जो निगेटिव में वेरी हाई जा रहा था तब हमारा आईडी फैन ट्रिप हो रहा था। नेक्स्ट है बॉयलर स्टीम प्रेशर हाई। फ्रेंड्स, जब हमारे बॉयलर का स्टीम प्रेशर वेरी हाई हो जाता है तब हमारा एफडी फैन ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। थर्ड नंबर में है एफडी फैन बेयरिंग वाइब्रेशन हाई। जब एफडी फैन का बेयरिंग वाइब्रेशन हाई हो जाएगा तब भी हमारा एफडी फैन ट्रिप हो जाता है। और जो फोर्थ नंबर में है एफडी फैन बेयरिंग डी और एनडी टेम्परेचर हाई। जब एफडी फैन के बेयरिंग का डी ड्राई विंड एंड नॉन ड्राई विंड का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाएगा तब हमारा एफडी फैन ट्रिप हो जाता है। और फिफ्थ नंबर में है एफडी फैन मोटर बेयरिंग टेम्परेचर हाई। जो एफडी फैन के मोटर में जो बेयरिंग लगी हुई होती है तो उसका टेम्परेचर अबव 85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब हमारा एफडी फैन ट्रिप हो जाएगा। और जो सिक्स नंबर में है मोटर वेंडिंग टेम्परेचर हाई। जब मोटर के वेंडिंग का टेम्परेचर एबव 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या उससे ज़्यादा चला जाता है तब हमारा एफडी फैन ट्रिप हो जाता है। फ्रेंड्स, एफडी फैन को स्टार्ट करने के बाद हमें पीए फैन को स्टार्ट करना होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी पर फ्रेंड्स अपना इंटरलॉकिंग से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम एफडी फैन का पीए फैन का स्टार्ट प्रोसीजर क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें देखना होता है कि पीए फैन को स्टार्ट करने से पहले कोई भी आईडी फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए एंड कोई भी एक एफडी फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। और जो थर्ड नंबर में देखना होता है कि पीए फैन का सक्शन डैम्पर क्लोज कंडीशन में होना चाहिए और नेक्स्ट पीए फैन का डिस्चार्ज डैम्पर भी क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर में देखना होता है कि पीए फैन का जो बेयरिंग टेम्परेचर है डी और एन डी साइड का वह टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। और जो सिक्स नंबर में देखना होता है पीए फैन के मोटर के बेयरिंग का टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए तब हमारा पीए फैन नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा पीए फैन को स्टार्ट करने का प्रोसीजर। चलिए अब देखते हैं कि पीए फैन कौन कौन से कंडीशन में ट्रिप हो सकता है। पीए फैन ट्रिप परमिसिव। चलिए देखते हैं पीए फैन कौन कौन सी कंडीशन में ट्रिप होगा। सबसे पहला है एफडी फैन ट्रिप। जब हमारा एफडी फैन किसी कंडीशन में ट्रिप हो जाएगा तब हमारा पीए फैन भी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। और जो नेक्स्ट है जो वो पीए फैन के मोटर का बेयरिंग टेम्परेचर जब हाई चला जाएगा 85 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तब हमारा पीए फैन ट्रिप हो जाएगा। और नेक्स्ट है जब पीए फैन का बेयरिंग टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तब हमारा पीए फैन भी ट्रिप हो जाता है। और जो फोर्थ नंबर में है वो पीए फैन का बेयरिंग का वाइब्रेशन जब अधिक चले जाएगा मतलब एबव 7.1 mm/s से अधिक हो जाएगा तब हमारा पीए फैन ट्रिप हो जाता है। एंड मोटर के वाइंडिंग का टेम्परेचर जब हाई चले जाएगा तब भी हमारा पीए फैन ट्रिप हो जाता है। फ्रेंड्स ये सब कंडीशनों में हमारा पीए फैन ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। फ्रेंड्स पीए फैन को स्टार्ट करने के बाद हमें ड्रैग चेन को स्टार्ट करना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ड्रैग चेन को स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। ड्रैग चेन स्टार्ट प्रोसीजर। तो चलिए देखते हैं ड्रैग चेन को स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एनीवन पीए फैन इज रनिंग कंडीशन, कोई भी एक पीए फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। सेकंड नंबर में है विंड एयर बॉक्स कंपार्टमेंट डैम्पर ओपन कंडीशन, मतलब अगर आपको एक नंबर कंपार्टमेंट का ड्रैग चेन चलानी है तो एक नंबर कंपार्टमेंट का विंड एयर बॉक्स का कंपार्टमेंट डैम्पर ओपन कंडीशन में होना चाहिए तब हमारा एक नंबर ड्रैग चेन चलेगी। और नेक्स्ट हमें देखना होता है ड्रैग चेन बेयरिंग टेम्परेचर नॉट हाई, मतलब जो ड्रैग चेन के बेयरिंग टेम्परेचर है वह हाई नहीं होना चाहिए मतलब 95 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है वो मोटर के बेयरिंग टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है वाइंडिंग टेम्परेचर नॉट हाई, मतलब जो ड्रैग चेन की मोटर है उसका वाइंडिंग टेम्परेचर भी हाई नहीं होना चाहिए, सब पैरामीटर नॉर्मल रहने चाहिए तब हमारा ड्रैग चेन नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ड्रैग चेन तो स्टार्ट हो गई। चलिए अब देखते हैं कि हमारी ड्रैग चेन कौन कौन सी कंडीशन में ट्रिप होती है। ड्रैग चेन ट्रिप परमिसिव। सबसे पहला है
पीएफ एंड ट्रिप। जब हमारा पीएफ एंड ट्रिप हो जाएगा तब सारी ड्रैग चेन हमारी ट्रिप हो जाती है। और सेकंड नंबर है विंड एयर बॉक्स कंपार्टमेंट डिम्पर क्लोज। फ्रेंड्स, जब हमारा विंड एयर बॉक्स का कंपार्टमेंट डिम्पर क्लोज हो जाएगा तो वाली हमारी ड्रैग चेन ट्रिप हो जाएगी। मान लीजिए अगर एक नंबर कंपार्टमेंट डिम्पर विंड एयर बॉक्स का कंपार्टमेंट डिम्पर क्लोज हुआ है तो एक नंबर ड्रैग चेन ट्रिप होगी। अगर दो नंबर कंपार्टमेंट डिम्पर क्लोज हुआ है तो हमारा दो नंबर ड्रैग चेन ट्रिप होगी। मतलब जिस नंबर की कंपार्टमेंट डिम्पर क्लोज होगा उसी नंबर का ड्रैग चेन ट्रिप होगा। जो थर्ड नंबर है फर्नेस का टेम्परेचर वेरी हाई। जब फर्नेस टेम्परेचर वेरी हाई जाएगा तब हमारा ड्रैग चेन ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। और जो फोर्थ नंबर में है ड्रैग चेन बेयरिंग टेम्परेचर हाई। जब ड्रैग चेन का बेयरिंग टेम्परेचर हाई हो जाएगा मतलब एबव 95 डिग्री सेल्सियस तो हमारा ड्रैग चेन ट्रिप हो जाएगा। और जो फिफ्थ नंबर में है ड्रैग चेन मोटर का मोटर एंड वेंटिंग टेम्परेचर जब हाई चला जाएगा तब हमारा ड्रैग चेन ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूल फीडर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या देखना होता है, मतलब फ्यूल फीडर स्टार्ट प्रोसीजर क्या होता है। फ्रेंड्स, फ्यूल फीडर को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है। यह देखना होता है कि ड्रैग चेन रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। अगर ड्रैग चेन रनिंग कंडीशन में नहीं होगी तो हमारा फ्यूल फीडर स्टार्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट देखना होता है कि जो फ्यूल फीडर के मोटर है मोटर का वेयरिंग टेम्परेचर एंड वेंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है तो हमारा फ्यूल फीडर स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फ्यूल फीडर कौन कौन से कंडीशन में ट्रिप होता है। सबसे पहला है ड्रैग चेन ट्रिप। फ्रेंड्स, जब ड्रैग चेन ट्रिप हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही हमारा फ्यूल फीडर ट्रिप हो जाता है। और नेक्स्ट है कि जब फ्यूल फीडर का मोटर का बेयरिंग टेम्परेचर हाई हो जाएगा या फिर मोटर का वेंडिंग टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमारा फ्यूल फीडर ऑटोमेटिक ही ट्रिप हो जाता है। फ्रेंड्स, मोस्टली सभी बॉयलर का इंटरलॉकिंग एंड लॉजिक सिस्टम इसी पैरामीटर पर इसी टाइप से काम करता है। और फ्रेंड्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टर्बाइन इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड बॉयलर फीड पंप इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और कौन कौन सी कंडीशन में टर्बाइन ट्रिप हो जाती है और कौन कौन सी कंडीशन में हमारा बॉयलर फीड पंप ट्रिप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पावर प्लांट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।